हेलो गाइस, क्या आप भी अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं या उसके पार्टीशंस को आप एक करना चाहते हैं? आपने अपनी हार्ड ड्राइव के बहुत सारे पार्टीशंस हैं, उसको आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे आप उसे एक पार्टीशंस में बना सकते हैं? सिंपली मैं अपनी हार्ड ड्राइव को जब कनेक्ट करता हूँ या आप अपनी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारे लैपटॉप में सी एंड डी दो पार्टीशन हैं। जैसे ही मैंने अपने हार्ड ड्राइव को कनेक्ट किया, यहाँ पे चार पार्टीशन मिल गए, ई एफ जी एंड एच। तो ये सारे पार्टीशंस को कैसे आप फॉर्मेट करेंगे अपनी हार्ड ड्राइव को, और ये सारे पार्टीशंस को एक कर देंगे, कैसे करना है कमांड के मदद से, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आना है एंड कंप्यूटर पे क्लिक करना है, राइट माउस राइट, एंड यहाँ पे मैनेज को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज के जस्ट नीचे, डिस्क मैनेजमेंट, इसे आप ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो हार्ड ड्राइव के पार्टीशन है वो है ई एफ जी एंड एच। आपके अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर कोई चेंज है पार्टीशंस नेम तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ई एफ जी एंड एच चार पार्टीशंस क्रिएट हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी ये डिलीट वॉल्यूम लिखा हुआ है, बट इतना नहीं, कमांड की प्रोसेस से आप करेंगे तो ईजिली फॉर्मेट होगा और आपकी हार्ड ड्राइव पर कोई भी असर नहीं होगा। सिंपली आपको यहाँ पर ओपन करना है कमांड और इसे रन कर लेना है। रन करते ही आपका ये जैसे ही रन होगा, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें या आप नोट भी कर सकते हैं, डिस्क पार्ट। जैसे ही आप डिस्क पार्ट लिखकर एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं इसे यस कर देता हूँ, एंड आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट का कमांड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिस्ट कर लेता हूँ कि हमारी कितनी डिस्क हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 0 और 1 दो डिस्क हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट डिस्क, जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देख सकते हैं डिस्क 0 एंड डिस्क 1 दो डिस्क आपको शो हो रही है जो कि सेम साइज़ की है। अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको करना है सेलेक्ट डिस्क। अब आपको इन दोनों में से डिस्क में से एक डिस्क को सेलेक्ट करना है जो हमारे हार्ड ड्राइव का है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली सेलेक्ट डिस्क 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो हार्ड ड्राइव का डिस्क है वो है 1, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है और एंटर करना है। देखिए यहाँ पे लिखकर आ गया, डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। अब आप जो भी कमांड करेंगे वो डिस्क 1 के लिए होगा, ना कि डिस्क 0 के लिए। अगेन आप क्या करेंगे, लिस्ट डिस्क चेक करने के लिए आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये जो है कमांड, यहाँ पे देखिए स्टार हो गया है। देखिए डिस्क 1 के पहले स्टार बन गया, मतलब डिस्क 1 आपकी जो है वो सिलेक्टेड हो चुकी है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना है। कैसे, आप सिंपली लिखेंगे क्लीन, क्लीन लिखते ही आप एंटर करेंगे एंड कुछ वेट करेंगे कुछ सेकेंड्स का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क, आपकी जो डिस्क है मतलब ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, वो आपकी क्या हो गई है, क्लीन हो गई है। आपकी हार्ड ड्राइव लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, या आपने ऑनलाइन परचेज किए आपके पार्टीशंस बनाए थे बट आप इसे आप हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप हटाएंगे। अब जैसे ही आपके ये क्लीन होगा आपको अगेन क्या करना है, लिस्ट डिस्क सर्च करना है, यहाँ पर एंटर करना है। देखिए अभी भी डिस्क 1 सेलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट पार्टीशन करना है, एक प्राइमरी पार्टीशन बनाना है, मतलब एक पार्टीशन में बनाना है, ना कि चार, जैसे हमारे चार पार्टीशन थे, अब उसे सिर्फ और सिर्फ एक कर लेना है। तो सिंपली क्या लिखेंगे आप, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है, और आप एंटर करेंगे।
देखिए, डिस्कपार्क सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, और यहाँ पे लिख देंगे अजाइन। जैसे ही आप अजाइन लिखकर एंटर करेंगे, आपका ये जो कमांड प्रोसेस है ये पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए, डिस्कपार्क सक्सेसफुली अजाइन द ड्राइव लेटर और माउथ पॉइंट, आपका ये जो काम है कमांड का ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क इन ड्राइव ई बिफोर यू कैन यूज़ इट। अब आपको क्या करना है, इसे सिंपली फॉर्मेट करना है। देखिए यहाँ पे ई ड्राइव, पहले हमारे पास बहुत सारी ड्राइव थी ई एफ जी एच, बट यहाँ पे आप ई है सिर्फ, तो आप इसे क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही आ गया ड्राइव ई, आप इसे फॉर्मेट करेंगे। अगर आप फॉर्मेट डायरेक्टली ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे, एंड ये आपकी जो हार्ड ड्राइव है ये कम्प्लीटली फॉर्मेट हो गई है, सारे पार्टीशंस हट गए। तो कैसी लगी वीडियो, सिंपली मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।